दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले द सैंडमैन के सीजन 2 की रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों सभी ने इंडिया में जहाँ तक इसके सीजन 1 को देख लिया है और सीजन 1 बहुत ज्यादा ही सुपर्ब है। लेकिन दोस्तों इसका सीजन 2 कैसा होगा, कब तक हमें देखने को मिलेगा, आएगा भी या नहीं, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको जहाँ तक बता दूँ, नेटफ्लिक्स की ये ऑफिशियल सीरीज है तो हमें नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेंगी और इसे नेटफ्लिक्स ने ही प्रोड्यूस किया है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि नेटफ्लिक्स इसे ग्रीन सिग्नल दे। दोस्तों इसके जो क्रिएटर है नील गाइमन, जो कि इनकी कॉमिक के ऊपर, इनकी जो बुक है उसके ऊपर इसकी कहानी बेस्ड है, तो ऐसे में दोस्तों सीजन 1 उन्होंने तो मल्टीपल सीजन सोच के रखे इसके कि एक से ज्यादा सीजन इसके हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के हाथ में है। जहाँ तक सीजन 1 को अभी रिलीज किया गया है तो उसे कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ऑडियंस का, कितना ज़्यादा वॉच टाइम जो हवर है वो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर ये कमाएंगी, उसके बाद ही हमें इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग देखें तो नेटफ्लिक्स ने अब तक इस सीरीज का रिन्यूअल नहीं किया या फिर उसके सीजन 2 के लिए ऑफिशियली नहीं बोला है। दोस्तों नेटफ्लिक्स वेट कर रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और अच्छा खासा पैसा इससे आए। लेकिन दोस्तों अब तक ऐसा होने का है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम जो सीरीज है वो पॉपुलर होते जाती है। दोस्तों जहाँ तक मैं आप सभी को बताऊँ तो सीजन 2 अब तक नेटफ्लिक्स ने रिन्यूअल नहीं किया है, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स इसे ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल देता है और इसे रिन्यूअल करता है तो इसका सीजन 2 हमें जरूर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो क्रिएटर है नील गाइमन, उन्होंने पूरे प्लान्स रेडी करके रखे इसके सीजन 2 को लेकर और जहाँ तक इसकी स्टोरी के ऊपर भी काम पूरा किया हुआ है। बस दोस्तों इंतजार है तो इसकी शूटिंग का और दोस्तों इसके जो ग्रीन सिग्नल का, उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इसका ग्रीन सिग्नल, अगर इसे रिन्यूअल मिल जाता है तो ये सीरीज जो है वो आपको लगभग 2024 में देखने को मिलेंगी। हाँ दोस्तों, मतलब लगभग 2 साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। 2024 में ये सीरीज आपको जरूर से देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज पर VFX पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है। शूटिंग से ज़्यादा टाइम जाता है वो पोस्ट प्रोडक्शन में काम जाता है VFX, और दोस्तों उस प्रकार का जो बिल्कुल जो बैकग्राउंड है वैसा क्लियर जो प्रेजेंस करना, वैसा दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, तो ऐसे में ऐसी सीरीजों को टाइम लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इसका सीजन 2 आना चाहिए नहीं, कमेंट में जरूर बताना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।